मंच टॉम के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और मैं देवेंद्र जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य दिया। तो सबसे पहले मैं अपने काव्य यात्रा माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करके समर्पित करना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक क्षण माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित। तेरी करूँ आराधना, तेरी करूँ आराधना, तेरी करूँ आराधना, निश्चल रहे की भावना, सच ही लिखे मेरी कलम, पूरण करो बना तेरी करूं आराधना, मन से उतारू आरती, तेरी सदा माँ भारती, मन से उतारू आरती, तेरी सदा माँ भारती, पंछी बनूं गगन में उड़ूं, निराशा आए पास ना, तेरी करूं आराधना, तेरी करूं आराधना, निश्चल रहे आवना, तेरी करूँ आराधना। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत। और क्योंकि मैं उदयपुर मेवाड़ से हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मेवाड़, जिसकी कण कण यहाँ की, इस धरती के कण कण, यहाँ के पत्ते, यहाँ के बूटे बूटे, सब इस जमी के, इस धरा के गाथा गाते हैं। और क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है, जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, यह वह धरा है जहाँ पर सूरज कभी भी डूबा नहीं। यहाँ की रानी हाड़ी, जो नई नवेली होती हुई भी, क्योंकि उसका पति वियोग में था, तो उसने अपना सर काट कर युद्ध भूमि में भेज दिया, ताकि वह वीरों की दांत खट्टे कर सके। पन्ना झा, जिसने अपने पुत्र के बलिदान देकर और यहाँ के महाराणा उदय सिंह को बचाया। तो मैं इस पर कुछ मुक्तक पेश करना चाहती हूँ। बहाकर खून सपूतों ने हमें मगरूर कर डाला, बहाकर खून सपूतों ने हमें मगरूर कर डाला, नरा मेवाड़ को हर सू बहुत मशहूर कर डाला, जहां प्रताप हो जन्मे तुझे माटी नमन मेरा, शहंशाहों की फौजों का घमंड सब चूर कर डाला, और सुहागन वो नवेली थी मगर क्या काम कर डाला, सुहागन वो नवेली थी मगर क्या काम कर डाला, निशानी शीश की देकर जहां में नाम कर डाला, तेरा हाड़ी धरा मेवाड़ पर एहसान है भारी, नहीं कीमत कोई इसकी बड़ा बेदाम कर डाला, उन हवाओं को सलाम जो शहीद को छूकर निकल जाती है, उन बारिश की बूंदों को सलाम
जो शहीद के तन मन को ठंडक पहुंचाती है। तो मैं कहती हूँ, शहीदों के कदम चूमे वो राहें भी मुकद्दस है, शहीदों के कदम चूमे वो राहें भी मुकद्दस है, नमी आंखों में ले आए वो आहें भी मुकद्दस है, जन्म उनको दिया जिसने करूं हर दम नमन उनको, जन्म उनको दिया जिसने करूं हर दम नमन उनको, झुलाया प्यार से झूला वो बाहें भी मुकद्दस है, झुलाया प्यार से झूला वो बाहें भी मुकद्दस है। सबूतों ने लहू देकर बढ़ाया मानु माटी का, सबूतों ने लहू देकर बढ़ाया मानु माटी का, इबादत की तरह उसने लगाया ध्यान माटी का, इसे चूमो इसे पूजो करो सजदे सभी कम है, इसे चूमो इसे पूजो करो सजदे सभी कम है, जहां तक भी रहे ये दम करे गुणगान माटी का, जहां तक भी रहे ये दम करे गुणगान माटी का। और शहीद पर एक उक्ति और सुनती, अगर मर भी मैं जाऊं तो जरा एहसान कर देना, अगर मर भी मैं जाऊं तो जरा एहसान कर देना, वतन के नाम पर बेटे वो भी कुर्बान कर देना, अभी वो कोख में माँ के रखा है नाम शहजादा, अभी वो कोख में माँ के रखा है नाम शहजादा, जन्म पर नाम उसका तुम हिंदुस्तान कर देना, जन्म पर नाम उसका तुम हिंदुस्तान कर देना। आभार, शुक्रिया। मैं जन सरोकार मंच का पुनः एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको आभार देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर आमंत्रित किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइव कमेंट के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा लिखती हूँ या बुरा नहीं जानती, मैं अच्छा लिखती हूँ या बुरा नहीं जानती, मैं गीत लिखती हूँ या गजल नहीं जानती, पर जब माँ पर लिखती हूँ तो बेटी रोती है, और बेटी पर लिखती हूँ तो माँ क्यों रोती है, इस उलझन को सुलझाने के लिए लिखती हूँ। सच तो यह है कि मैं आपकी पीड़ा को, आपकी कहानी को, आपके उद्गार को, आपकी हंसी को लिखती हूँ। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं आपको एक गजल सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको सारे रंग मिलेंगे। प्यार को तुम कभी तो जताया करो, प्यार को तुम कभी तो जताया करो, धड़कने अपने दिल की सुनाया करो, प्यार को तुम कभी तो जताया करो। ये मतलब की बजाय फिर सुनिएगा,
सो गए आसमाओ उठकर, रेत पर सो गए आसमाओ उठकर, रेत पर सो गए आसमां उठकर, ये अदा तुम फकीरों से पाया करो। और इसने कहा, फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे, फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे, फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे, आप फूलों से दिल मत लगाया करो। और एक सुनिए, और आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी, आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी, आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी, जानकर भी कभी चोट खाया करो। और गजल का आखिरी शेर सुनिएगा, और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो, और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो, और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो, हौसला आपका आजमाया करो, प्यार को तुम कभी तो जताया करो, धड़कने अपनी मुझे को सुनाया करो। शुक्रिया, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उतने मेरे को इतने श्रुति सुधीजन है, श्रोतागण है, मेरे को सुन रहे हैं। अब वो कितना सुन रहे हैं, कितना उनको पसंद आ रहा है, ये तो मुझे पता नहीं चल पा रहा, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। अब मैं आपको एक गजल और सुनाने जा रही हूँ। मुझे हाले दिल, मुझे हाले दिल, गजल का मतलब मुझे हाले दिल सुनाने वो आया, मुझे हाले दिल सुनाने वो आया, संभालो संभालो रिझाने वो आया, मुझे हाले दिल सुनाने वो आया, संभालो संभालो रिझाने वो आया। और सुनेगा, मेरी मुफलिसी, मेरी मुफलिसी, मेरी मुफलिसी पर हंसाने सभी को, मेरी मुफलिसी पर हंसाने सभी को, मददगार बन के सताने वो आया। और फिर सुनेगा, परेशान होती
होती मेरी रूह जिससे, परेशान होती मेरी रूह जिससे, फसाना वही फिर सुनाने वो आया। और सुनिए, घड़ी वस्त की थी, घड़ी वस्त की थी, घड़ी वस्त की थी, घना था अंधेरा, घड़ी वस्त की थी, घना था अंधेरा, दिया चाहतों का जलाने वो आया। और फिर सुनेगा, जलाया था जिसने, जलाया था जिसने, नशे मन को मेरे, जलाया था जिसने नशे मन को मेरे, वही आग फिर वो बुझाने वो आया। और फिर सुनेगा, रखे थे किताबों में, खत जो पुराने रखे थे किताबों में, खत जो पुराने, कसम याद उनके दिलाने वो आया। और फिर सुनेगा, अभी फिर छुपा कर रखे थे, छुपा कर रखे थे आंसू जो मैंने, छुपा कर रखे थे आंसू जो मैंने, पकड़ हाथ मेरा रुलाने वो आया, मुझे हाल दिल सुनाने वो आया। संभालो संभालो रिझाने वो आया। शुक्रिया, आभार। मेरे को आ, आ, मेरे को कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, कुछ कमेंट मेरे को दिखे हैं, लेकिन जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और अब मैं आपको एक गजल और सुनाने जा रही हूँ, एक मतला और दोषी। सुनिए, बात करने लगे आज फिर प्यार से, बात करने लगे आज फिर प्यार से, आप बच के रहो प्यार के वार से, बात करने लगे आज फिर प्यार से, आप बच के रहो प्यार के वार से, बात करने लगे आज फिर प्यार से। और सुनेगा, तीर तलवार से हम कभी ना डरे, तीर तलवार से हम कभी ना डरे, खौफ लगने लगा फूल की मार से, तीर तलवार से हम कभी ना डरे, खौफ लगने लगा फूल की मार से। और ये सुनेगा,
रेशमी जब लिबासों में मैं आ गई, रेशमी जब लिबासों में मैं आ गई, बात करता नहीं अब तकरार से, रेशमी जब लिबासों में मैं आ गई, बात करता नहीं अब तकरार से। और ये सुनेगा, चार पैसे जरा पास क्या गए, चार पैसे जरा पास क्या गए, दौड़ने वो लगा तेज रफ्तार से, चार पैसे जरा पास क्या गए, दौड़ने वो लगा तेज रफ्तार से। और का आखिरी सुनिए, अश्क शब भर मेरे कागजों पर गिरे, अश्क शब मेरे कागजों पर गिरे, वो शहर में दिखे तारे अशुमार से, अश्क शब मेरे कागजों पर गिरे, वो शहर में दिखे तारे अशुमार से, बेशुमारी लगे आज फिर प्यार से। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। मैं उन सभी श्रोताओं को, यह पटल पर जितने लोग उपस्थित थे जिनको मैं नहीं देख पा रही, मेरे को बिल्कुल कॉमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपका नाम या उद्धरण नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद, एक मैं आपको और नजर सुना रही हूँ, कुछ एक बदलाव कुछ साथ उसके चलो जो सदा साथ दे, साथ उसके चलो जो सदा साथ दे, जब मुसीबत पड़े तो बड़ा हाथ दे, साथ उसके चलो जो सदा साथ दे, जब मुसीबत पड़े तो बड़ा हाथ दे। और ये सुनिएगा, आशिकी के लिए क्या जलन का, आशिकी के लिए क्या जलन का, शकुंतला जी मुझे नजर आ रही है। शकुंतला जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच पर आए हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशिकी के लिए क्या जलन का, लांग कर सरहदे हर जगह बात दे, और सुनेगा खूबसूरत लगेंगी सभी वादियां, खूबसूरत लगेंगी सभी वादियां, साथ फूलों के घर खार भी साथ दे। और सुनिए, झील में डूब कर चांदनी कहा, झील में डूब कर चांदनी
चांदनी कहा झील में डूब कर चांद ने ये कहा अब शहर भी न हो ऐसी सौगात दे झील में डूब कर चांद ने ये कहा अब शहर भी न हो ऐसी सौगात दे। और गजल का आखिरी शेर आप उनको ही घर पे बुलाया करूं आप उनको ही घर पर बुलाया करूं आप उनको ही घर पर बुलाया करो जो हमेशा ही नेमत की बरसात दे साथ उसके चलो जो सदा साथ दे जब मुसीबत पड़े तो बड़ा हाथ दे। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, आप मुझे थोड़ा सा संकेत दे कि मैं कुछ और पढ़ सकती हूँ थोड़ी देर, मैं और पढ़ना चाहूंगी तो यहीं पर विराम कर देती हूँ। शगुन्दा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मुझे थोड़ा सा संकेत दे दे कि मैं और पढ़ूँ तो मैं पढ़ना चाहूंगी, नहीं तो यहीं पर विराम देती हूँ। मैं जल सरोवर मंच की देवेंद्र जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके इस मंच पर अपना काव्य पाठ किया। मुझे आज क्यों, क्योंकि मैं मेरा नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बहुत देर से इस पर जुड़ पाई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा संकेत दे दें कि मैं अपना काव्य पाठ थोड़ा और कर सकूं, या फिर मैं यहीं पर विराम दूं, आप मुझे थोड़ा बताएं। चलिए मैं आपको खाली दो दोहे के साथ इसका समापन करती हूँ। चौराहे पर शव सजा चौराहे पर शव सजा मांगे टके हजार चौराहे पर शव सजा मांगे टके हजार कलयुग ये कैसा भला लाशों का व्यापार लाशों का व्यापार। और दूसरा दोहा सुनिए तस्वीरों का भाव है तस्वीरों का भाव है महलों में लग जाए तस्वीरों का भाव है महलों में लग जाए भूखी नंगी झोपड़ी पुरस्कृत हो जाए पुरस्कृत हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।